हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बड़े त्रासदी के बारे में, जिसका छाप आज भी लोगों के दिलों को झंझोर देता है और यह आज भी कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़ा रह गया है और आगे भी रहेगा, जो उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी को भी प्रभावित करता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजिडी या फिर भोपाल गैस कांड। इस त्रासदी में मिसाइल आइसोसाइनाइट यानी कि MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। दिसंबर 1984 में हुआ भोपाल गैस कांड दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी थी। 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। यह इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा था। तो दोस्तों, जैसे कि सर्दियों का मौसम है और यह भी सर्दियों के मौसम में ही हुआ था, और अगर आप इस वीडियो को 2 दिसंबर को देख रहे हैं तो उन लोगों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह सफ़र। भोपाल के लोग रोजाना की तरह ही उस दिन की रात को भी अपने अपने घरों के अंदर आराम से सो रहे थे, और उन्हें यह भी खबर नहीं थी कि आज की रात उनके लिए इतना भयानक होने वाला था कि इसे इतिहास में भी याद रखा जाएगा। कल की सुबह नया सवेरा नहीं बल्कि मौत का एक ऐसा मंजर दिखाएगी कि लोगों की रूह तक कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर की रात को यूनियन कार्बाइड कारखाने के 610 नंबर के टैंक में खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनाइड रसायन था। टैंक में पानी पहुंच गया और टैंक का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया, जिस कारण धमाके के साथ टैंक का सेफ्टी वाल्व उड़ गया। उस समय टैंक में 42 टन जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जो पूरे भोपाल को अपनी जहरीली गैस से ढक दिया था, और वो लोग जो अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और दम घुटने लगा, साथ ही खांसी और उल्टियां भी होने लगी, और जो लोग जगे हुए थे उनकी आंखों में जलन होने लगी और कुछ तो अंधेपन का शिकार हो गए, जिस कारण वहां के लोग सड़कों पर उतर गए और शहर से दूर जाने की कोशिश करने लगे। यहां तक कि भोपाल के सरकारी अस्पताल में भी भर्ती करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, और वहां के डॉक्टर भी इतनी बड़ी भीड़ देखकर घबरा गए। जो लोग सड़कों पर से जा रहे थे उनकी मौत वहीं पर हो गई, साथ ही पशु पक्षी भी दम घुटने के कारण मौत के आहोश में चले गए और पेड़ पौधे भी सूख गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3,787 की मौतें हुई। कई NGO का दावा है कि मौत का आंकड़ा 10,000 से 15,000 के बीच था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही गैस से करीब 5,58,000 लोग प्रभावित हुए थे। इनमें से करीब 4,000 लोग ऐसे थे जो गैस के प्रभाव से परमानेंट डिजेबल हो गए थे, जबकि 38,000 से भी ज़्यादा लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह घटना क्यों हुई थी। 1981 से 84 के बीच यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में कई बार हुआ था रिसाव, इसमें एक वर्कर की मौत भी हो गई थी, जबकि अन्य अलग अलग मामलों में कई वर्कर घायल हो गए थे। इस रिसाव का मुख्य कारण दोषपूर्ण सिस्टम का होना था। दरअसल 1980 के शुरुआती सालों में कीटनाशक की मांग कम हो गई थी, इससे कंपनी ने सिस्टम के कारखाने पर सही से ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने MIC का उत्पादन भी नहीं रोका और प्रयुक्त MIC का ढेर लगता गया। हादसे से ठीक पहले प्लांट काफ़ी घटिया स्थिति में था। प्लांट में मौजूद टैंक E610 में MIC 42 टन थी, जबकि यह 40 टन से अधिक नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया गया था। हादसे में मारे गए लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया था और अंतिम संस्कार किया गया था। तकरीबन 2000 जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के पेड़ बंजर हो गए थे। संभावना ट्रस्ट के शोध में कहा गया है कि भोपाल गैस पीड़ितों की बस्ती में रहने वालों को दूसरे इलाकों में रहने वालों की तुलना में किडनी, गले तथा फेफड़ों का कैंसर 10 गुना ज़्यादा है।
इतना ही नहीं, भोपाल गैस पीड़ित की बस्ती में टीवी तथा अन्य रोगों के भी शिकार हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी इसका जवाब मुझे कमेंट में दें। साथ ही अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए लाता रहूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का यह सफ़र। गुड बाय, टाटा।